Subscribe and click the bell icon for television updates. पर आप सुन रहे हैं दर्दे दिल अपने दोस्त अपने हम सफर देश के साथ। तो चलिए आप और मैं मिलकर महसूस करते हैं और आंखें बंद करके ये वाला गाना सुनते हैं। सबसे पहले तो मुझे अरबीना को देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ ही लिया। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एक बहुत ही अमेजिंग सी फीलिंग है कि हम लोग अक्सर शूट में मुलाकात करते हैं, लेकिन आज 104.8 इश्क एफएम पर जहाँ पर मैं एज ए रेडियो जॉकी वर्क करता हूँ वहाँ पर हम लोगों की मुलाकात होने वाली है। और मैं आज आपको पूरे अपने ऑफिस से मिलवाने वाला हूँ। एक बहुत ही डिफरेंट सी लाइफ है क्योंकि शूट पर एक अलग ज़िंदगी है, एक ऑफिस की मेरी एक अलग ज़िंदगी है, और वो दोनों कैसे कंबाइन होती हैं, कैसे मर्ज करके हम एक साथ काम करते हैं। और जो आजकल आप इंस्टाग्राम पे मेरे वॉइस ओवर्स देख रहे हैं, जो पोइट्रीज देख रहे हैं, जो मेरा एक पैशन है जो मैं लिखता हूँ, उसको एक नया रूप मुझे रेडियो के थ्रू मिला है। एंड ये बहुत ही अमेजिंग सी फीलिंग है। हम लोगों का मोस्टली जब भी सिलेक्शन होता है तो वो ऑडिशन के थ्रू होता है, लेकिन जब जॉब मिली थी तो वो प्रॉपर एचआर इंटरव्यू था। और वो जब मैंने क्रैक किया, जब वो मुझे यहाँ से इन लोगों ने मुझे बुलाया, तो वो एक बड़ी अमेजिंग सी फीलिंग थी। मैं जितना ज़्यादा खुश यहाँ पर आकर होता हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे इतनी खुशी कहीं और मिलती है नहीं मिलती, लेकिन ऑफकोर्स शूट पे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन ये एक बहुत डिफरेंट फीलिंग है, यहाँ स्टूडियो में बैठना, बातें करना, एक बड़ा कंसोल के साथ अपने गाने सुनते रहना, ये टीम बहुत अमेजिंग है। सपना, yes. शिवांगी, एकता, हमारे ऑफिस में सिर्फ लड़कियां नहीं है, लड़के भी हैं। अभी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन बाद में मिल पाऊंगा। बहुत बढ़िया बंदा है। अच्छा। बहुत बढ़िया शो करता है, वेरी नाइस। जो भी तारीफ करेगा उसे 200 रुपए कैश है। तो पहले ट्रांसफर No, he's really good. He connects with his listeners very nicely. And I think uska ek bahut acha wo rapo, ek bond create ho gaya hai with his listeners and all of that. So, they look up to him. Main Shivangi ke liye bata deta hun, jo aap music sunte hain Ishq FM par, wo Shivangi pura lagati hai and Shivangi सारा म्यूजिक हैंडल करती है बॉम्बे का। एंड जितनी भी तारीफ होती है हमारे स्टेशन की, नो डाउट 104.8 इश्क एफएम जो म्यूजिक के लिए हम लोग जितनी तारीफ में मिलती है वो सब शिवांगी की वजह से मिलती है। रियली थैंकफुल टू यू। हेलो, हाय, आई एम सपना और मैं 11 बजे आती हूँ। मेरे शो का नाम है 11 से 2 द मूफर्ड शो, जिसमें से मूफर्ड गिरी होती है और कुछ नहीं होता है। सपना बहुत ही अमेजिंग आरजे हैं एंड वो जब भी जितनी भी बातें करती हैं वो बहुत ही कमाल होती हैं और बहुत ही अच्छी बातें करती हैं। लेकिन आई रियली वांट टू से दिस थिंग अबाउट हितेश, कि हितेश काफ़ी दिल को छू जाते हैं अपनी आवाज़ से भी और अपनी बातों से भी। सो दैट्स रियली अमेजिंग। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु लिसन टू यू एंड दे लव योर शो। ये है आरजे एकता। ओह माय गॉड। तो एकता दर्द दिल प्रोड्यूस करती हैं और जो भी आप दर्द दिल पे सुनते हैं, अच्छी शायरी सुनते हैं, जो भी अच्छा कंटेंट आप सुनते हैं दर्द दिल के लिए, वो सारा एकता और मैं मिलकर इकट्ठा करते हैं। और एकता बहुत मेहनत करते हो, कैसे कर लेते हो आप इतनी मेहनत? क्या क्या रीज़न क्या है? क्या बॉर्नविटा वगैरह पीते हो, क्या है ऐसा रीज़न? आप है, मतलब इतना ठहराव है आप में, आपकी आवाज़ में, आपके कंटेंट में, आपके नेचर में, कि हर कोई जो है वो रुकेगा, अटकेगा, समझो, आप समझ रहे हो। और ये एक्चुअली पूरा एक टीम वर्क है, क्योंकि जब अच्छा म्यूजिक होता है स्टेशन का, जब आप अच्छा लिंक जब आता है, तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। और मुझे वही दिखाना है आज के जो हम सुनते हैं रेडियो पर, जो मेरी एक अलग लाइफ है यहाँ शूट के अलावा, वो कितनी अमेजिंग है और मुझे कितना अच्छा लगता है ऑफिस में आकर। ये वो रूम है, ये वो जगह है, एक्चुअली में ये वो जगह है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है। ये है इश्क एफएम का स्टूडियो जहाँ से दर्द दिल का शो बनता है, एक ऐसा शो जो मेरे दिल के बेहद करीब है जब मैंने इश्क एफएम ज्वाइन किया था। और मैं शायद अगर कुछ ऐसा करना चाहता था, मुझे आज भी याद है कि लॉकडाउन में एकदम मैं टाइपराइटर पे अपनी पोइट्रीज रिकॉर्ड किया करता था। और वो पोइट्री जब श्रद्धा ने देखी और उसके बाद उन्होंने जब मैंने इंटरव्यू किया,
तो मुझे इतनी खुशी हुई कि लॉकडाउन के टाइम पर मैंने एक टारगेट लिया था कि मैं रोज एक पोइट्री अपनी लिखी हुई मैं रिकॉर्ड करूंगा, अपनी आवाज दूंगा, और मैं फोन पे रिकॉर्ड करता था। मेरे पास कोई भी एक मीडियम नहीं था जो अच्छी तरह से मैं रिकॉर्ड कर सकूं। एंड पता नहीं यार, यूनिवर्स ने कैसे मेरी बात सुनी और वो हो गया, और लॉकडाउन के जस्ट बाद मुझे इश्क एफएम में काम करने का मौका मिला। शूटिंग की दुनिया बहुत अलग सी, एक अलग सा वर्ल्ड है जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि ओह अच्छा, मैं ऑफिस में भी काम कर सकता हूँ, मैं ये काम भी कर सकता हूँ। नॉर्मल ऑफिस के कंपैरिजन में एनवायरनमेंट बड़ा अलग होता है, बहुत अलग। लोग जब फ्री रहते हैं तब गाने वाने सुनते हैं, हमारे सर पे गाने बज रहे होते हैं ऑल टाइम। मेरे जो बचपन वाला जो टाइम है उसमें मैं बहुत मोटा था, और मैं किसी भी लड़की को अगर प्रपोज करता था तो मुझे हमेशा मना कर देती थी। सो ऐसा होता था कि कोई भी लड़की, मतलब ऐसा गर्लफ्रेंड नहीं थी मेरी कोई और मैं जिसको भी बोलता था वो सब मना कर देती थी। ये जो शो है इसका फॉर्मेट ये है कि आपका अगर दिल टूटा है, और दिल टूटा ही है अगर जिंदगी में जिसका दिल नहीं टूटा, तो मेरी एक लाइन है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इश्क मिल जाए तो सब और ना मिले तो रब। तो जब इश्क नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं आप पर उसकी इनायत होती है, वो आपके साथ हमेशा खड़ा होता है। और टूटे दिल से वो जो एक तकलीफ में अगर आप कुछ काम करते हैं, जब आपके अंदर से कुछ वो निकल के आता है, पेन जो जब आप अंदर से होता है, तो बड़ा ही खूबसूरत होता है। लेकिन अब ये है कि ऐसा नहीं है कि दिल टूटा है और उसके साथ ही रहना है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको महसूस करके रखिए और हमेशा उसके साथ काम करने की कोशिश कीजिए, दैट इज़ मोर ब्यूटीफुल। हर इंसान का अपना एक ओपिनियन होता है, तो मैं अपना कन्विंस करने में लगी रहती हूँ, ये अपना करने में रहते हैं। तो ऐसे बहुत बार होता है कि मैंने बोला कि यार ये सही लग रहा है, ही इज़ लाइक कि नहीं नहीं ये तो जा ही नहीं रहा इस हिसाब से, ये तो इस टाइम के हिसाब से नहीं जा रहा, मेरी आवाज़ के हिसाब से नहीं जा रहा, मैं तो कह रही हूँ मौसम के हिसाब से भी नहीं जा रहा। सो ही इज़ दैट मच पर्टिकुलर व्हेन इट कम्स टू हिज शो। मतलब वो कहते हैं हमारे इंडस्ट्री में बड़ा चलता है कि आपका शो आपका बेबी होता है, तो इनका बेबी जो है बहुत ही मतलब इनिशियल स्टेज में है, जहाँ पर अलग पैम्पर जो है उस जोन में बैठे हुए हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शूटिंग इसके अलावा अपना डिजिटल हैंडल करना और उसके बाद शो करना, हम लोग एक काम करके थक रहे हैं। ही इज अ मल्टीटास्कर, ही इज एक्चुअली अ मल्टीटास्कर, सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू एकता। मुझे डिफरेंस मुझे बड़ा जो भी डिफरेंस है वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि टेलीविजन में या एज एन एक्टर जब भी मैं काम करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक किरदार निभाया, और उस किरदार के कई सारे रंग हैं, कई सारे रूप हैं, उस किरदार को जानने का मौका मिलता है, उस कैरेक्टर से मिलने का मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल लास्ट शो मेरा जी टी वी पर था, इस मोड़ से जाते हैं संजय, जब मैंने प्ले किया, या जब मैंने मानव प्ले किया, जब मैंने विक्रम दीवान प्ले किया, जब मैंने ECP आहिर प्ले किया, तो इन सब के अपने अपने एक रंग हैं, वो बड़े मज़ेदार हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनमें शायरी हो, ज़रूरी नहीं है कि उनमें वो बात है जो हितेश में हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन सारे किरदारों को मैं हितेश से अलग रखूँ। तो एक्टिंग के लिए मुझे ये चीज़ें बड़ी इंस्पायर करती हैं। अब जब मैं यहाँ स्टूडियो में आता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो मेरा ओरिजिनल सेल्फ है इसको मैंने बचा लिया, क्योंकि अगर मैं जब एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, जब मैं कोई किरदार नहीं निभा रहा हूँ, तो मैं उस किरदार जैसा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हितेश जो ओरिजिनल है वो हितेश जैसा ही रहे, और जो ओरिजिनल हितेश है वो कैसा है, वो लिखता है, वो उसको पढ़ना बहुत पसंद है, उसको बातें करना पसंद है, उसको कुछ ऐसे ख्यालों में ले जाना पसंद है जहाँ पर तजुर्बे की बात हो, मतलब एक्सपीरियंस जब आपकी ज़िंदगी में बोलने लगता है, जब आपकी बात वैसी होने लगती है, तो ये मुझे डिफरेंस लगता है। और दूसरा एक टीम, वहाँ पर भी एक टीम है और यहाँ पर भी एक टीम है, ये दोनों टीम मुझे ये एहसास दिलाती हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में विदाउट टीम कुछ नहीं है, वो अकेला अगर जिस दिन मैंने ये मान लिया कि मैं इंडिविजुअली काम करता हूँ, चाहे मैं एज एन एक्टर इंडिविजुअल काम करता हूँ या एज एन आरजे, ये भी मेरे एक आर्ट की दूसरी फॉर्म है जहाँ पर मुझे अपने आवाज़ के साथ ये पेश करना होता है कि जो हो रहा है वो हकीकत है, वो सही है, जो अपनी शायरी बोल रहा हूँ उसमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उसमें तकलीफ़ है, उसको ज़ाहिर करने का अंदाज़ मेरा बहुत अलग है। सो ये मुझे डिफरेंस लगता है, और जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है दोनों मीडियम्स में एक साथ काम करने के लिए। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सुनते रहिए 104.8 इश्क एफएम पर दर्दे दिल, और 9 से 12 शो आता है दिल्ली, बॉम्बे एंड कैलकटा में ये शो आता है। और मेहनत तो आपको पता ही है कि हर चीज़ के लिए ज़्यादा ही मेहनत है, लेकिन इसमें मेरी राइटिंग इन्वॉल्व है। मैं जो भी लिखता हूँ दिन भर में, जो भी वर्ड्स निकालता हूँ, जो भी मैं सोचता हूँ, मेरी जो एक थिंकिंग है वो इस शो के अराउंड होती है। और आप लोगों ने जितना प्यार दिया है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज जहाँ कहीं भी हूँ वो आप लोगों की प्रेयर्स की वजह से ही हूँ। मुझे सच में ये फीलिंग आती है कि जब मैं टीवी पर नहीं होता हूँ, जब मैं आपको दिख नहीं रहा होता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। सो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और मैं इसके लिए बहुत अच्छा फील करता हूँ। एंड थैंक यू एवरीबडी एवरीवन जो मुझे पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। तो आज का दर्द दिल का शो रिकॉर्ड हो चुका है, और अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जहां पर हमें जो रेटिंग्स मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आरजे शौर्य से मिलवा देता हूँ। आरजे शौर्य जो हमारा
इवनिंग शो करते हैं 5 से 9, हम दोनों हैंडशेक करते हैं दोनों एक साथ, ये जाते हैं और मैं आता हूँ, हर रोज हम हैंडशेक करते हैं एंड अब हमारी बारी है जो हमें जज करते हैं और वो है, मैं जज नहीं करता हूँ, हमारे कर्ता धर्ता यही है, बॉस है आप लोग का बड़ा, हम जो है इनके कारण है, इन्होंने हमें, बट जेन्युइनली मैं बोलना चाहता हूँ बहुत ही कूल बॉस एंड एक ऐसे यार, मुझे ऐसा लगता है ब्रजेश आपके लिए आप बहुत टैलेंटेड हो, एक दिन हम दोनों बैठ के आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, ऐसा होता नहीं है कि दो लोग अपने बॉस की तारीफ, फॉर द कैमरा नहीं, इट इज नॉट फॉर द कैमरा, बट जेन्युइनली एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जब भी मेरी इनके साथ कन्वर्सेशन हुई है, बातें हुई हैं, तो एक बड़े भाई जैसी फीलिंग आती है, और ये बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, इनका म्यूजिक सेंस आई थिंक We are very thankful to Brijesh कि वो हमारे साथ हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं, genuinely मैं अपने दिल से ही बात बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में होता हूँ, कोई भी बात होती है, तो एक ब्रजेश ही ऐसे हैं, और इवन फीडबैक दर्दे दिल को जो इतना अमेजिंग, इतना खास मुझे आज लगता है कि डे बाई डे हम करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिम, एंड थैंक यू सो मच ब्रजेश, थैंक यू सो मच, ही इज बीइंग वेरी मॉडस्ट एंड आरजे शौर्य आई थिंक एक ऐसा इंसान जो मतलब जंगल में भी जानवरों को भी हंसा सकता है जो कुछ भी कर सकता है, बहुत ही फनी, बहुत ही विटी एक लड़का, और ये बैचलर है, तो जितनी भी लड़कियां हैं आई थिंक जो उस समय देख रही हैं ये सब छोड़े थे, 3000 ये 3000 रुपए वाला वीडियो इसका बहुत अच्छा वायरल हुआ है, नहीं सच में चाहिए 3000 रुपए कैश चाहिए, बाय गाइस थैंक यू सो मच।